कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने बुधवार को अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने चौथी लिस्ट में कांग्रेस के पूर्व सांसद वीवी नायक को मानवी से चुनावी मैदान में उतारा है और शिमोगा से चन्ना बसापा को टिकट दिया है। राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 222 सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। इसी के साथ बीजेपी ने कर्नाटक की सभी सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए हैं। वहीं इससे पहले कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने 17 अप्रैल को तीसरी लिस्ट जारी की थी। बीजेपी ने 10 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी। पार्टी में नाराजगी और बगावत के बीच पार्टी ने 3 सीनियर नेताओं के परिवार के सदस्यों को जगह दी। वरिष्ठ नेता एस.ए. रामदास मैसूर शहर में कृष्ण राजा निर्वाचन क्षेत्र से टिकट नहीं दिए जाने से नाराज है। वहीं टिकट न मिलने की वजह से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश सट्टार ने बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। बता दें कि बीजेपी से नाराज चल रहे वरिष्ठ नेता कृष्ण राजा ने कहा कि वह जल्द ही भविष्य की कार्रवाई के बारे में अपने फैसले की घोषणा करेंगे। बता दें कि शिमोगा से बीजेपी ने पूर्व मंत्री KS ईश्वरप्पा का टिकट काटते हुए चन्ना बसप्पा को टिकट दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियां कमर कस ली है। बीजेपी ने राज्य में नेताओं की बगावत के बीच सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। बीजेपी ने पहली लिस्ट 11 अप्रैल को 189 उम्मीदवारों की, 12 अप्रैल को दूसरी लिस्ट 23 उम्मीदवारों की और सोमवार को 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अभी तक 209 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। कांग्रेस ने 25 मार्च को पहली लिस्ट में 124, दूसरी लिस्ट में 42 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कांग्रेस तीसरी लिस्ट जल्द जारी कर सकती है। बता दें कि कर्नाटक में अगले महीने होने वाले चुनाव के लिए भाजपा ने एक बार कमल खिलाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। 20 अप्रैल को नामांकन की तारीख खत्म होते ही भाजपा आक्रामक चुनाव प्रचार शुरू करेगी। इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के साथ होगी। गृह मंत्री शाह 21 और 22 अप्रैल को दावन गोरे और देवन हल्ली में रोड शो करेंगे और बेंगलुरु में भाजपा के प्रचार अभियान के तहत कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। शाह के रोड शो से कर्नाटक में पार्टी के जनसंपर्क को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस दौरान गृह मंत्री चुनावी रणनीति को बेहतर बनाने के लिए राज्य में प्रचार अभियान की अगुवाई करने वाले पार्टी नेताओं के साथ कई बैठकों में शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों ने कहा कि शाह 20 से 23 अप्रैल के बीच राज्य में रहेंगे। इसके बाद तेलंगाना की चेवेल्ला लोकसभा सीट पर राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने के रवाना होंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।